मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? इतना सुंदर जगह है ना, आप देख रहे हैं यहाँ क्रूस लगा हुआ है और जीसस भी लिखा। जी हाँ, हमारा प्रभु का भवन में लिखा है। परमेश्वर के भवन के सामने येलीम नामक का एक जगह है। यहाँ जो कोई मीटिंग में आते हैं इसी जगह में वे ठहरते हैं। परमेश्वर ने इस जगह को अपनी मर्जी से तैयार की है और अपने लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दिया। जो कोई यहाँ पर आते हैं और प्रभु के भवन में ठहरते हैं, इसका कारण देखिए। आप यहाँ पर उस क्रूस को देखते हैं ना, क्रूस को इसलिए यहाँ पर रखे हैं। वो किसी चिन्ह नहीं है या उसको पहनना या उसको पूजना, उसको रखना। ये क्रूस को पूजा करना, चूमना या दंडवत करना, ये सारे काम उसमें नहीं करना है। यीशु का मृत्यु और जीवन को, पुनरुत्थान को स्मरण करने के लिए यहाँ पर रखे हैं और उसके लायक एक वचन को भी वहाँ पर हमने लिख के रखा है। यीशु के साथ मैं क्रूस पर लगाया गया हूँ और अब मैं नहीं, प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। इस प्रकार वचन को हम लिखे हैं और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कोई मुझे पीछे करना, मुझे अनुकरण करना है, अपने क्रूस को उठा के मेरे पीछे चलना है, वही मेरा चेला। इसीलिए इसको स्मरण करने के लिए इसको रखे हैं। लोग यहाँ पर आते हैं और फोटो भी खींच के यहाँ से जाते हैं। आज परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे भजन संहिता 115 का 13 वचन में। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवे हैं वह उन्हें आशीष देगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। यदि आप बालक हैं, छोटे हैं, प्रभु कहता है छोटों को भी, सारे लोगों को, यानी नन्हे मुन्ने बच्चों को भी प्रभु आशीष देगा। यदि आपका घर में अभी ही बालक जन्मा तो परमेश्वर उसे भी आशीष देंगे। जो कोई परमेश्वर से डरते हैं वो सारे परिवार के सदस्यों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष देंगे। आपके बच्चों को क्या आशीष चाहिए? छोटे बच्चों को प्रभु क्या आशीष देंगे? बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है, परीक्षा में विजय चाहिए, शरीर की चंगाई प्रभु देना, प्रभु सारे रोगों को दूर करेंगे। बड़ों के लिए क्या आशीष चाहिए? क्या वो बीमार है? प्रभु बीमारी को दूर करेंगे। उनका काम नहीं है, प्रभु काम में प्रभु आशीष देंगे। और उनका बिजनेस ठीक नहीं है, उस बिजनेस में प्रभु बढ़ोतरी देंगे। जहां उनको सफलता चाहिए, परमेश्वर सारे प्रकार की सफलता आशीष को देंगे। जो क्षेत्र में उनको आशीष चाहिए, प्रभु उनको भरपूर आशीष दे का अगुवाई करेंगे। लेकिन ये कंडीशन पर परमेश्वर आशीष देते हैं, प्रभु के लिए हमें डरना भी चाहिए। लोगों के अंदर बहुत सारे तो भक्तियां हैं लेकिन डर बिल्कुल नहीं है। लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन डर नहीं है। डर रहने से हम दुष्ट काम नहीं करेंगे और परमेश्वर के लिए हम डरेंगे। प्रभु के लिए डरेंगे कोई भी दुष्ट काम नहीं करेंगे। परमेश्वर के लिए डरने वाले दूसरों को तंग नहीं करेंगे, दूसरों को मारेंगे नहीं। आज लोगों के अंदर बिल्कुल भावना ये नहीं है। परमेश्वर हमें देखता है, आपके अंदर ये भावना होना चाहिए, परमेश्वर मुझे देखता है। सारे कार्य को, जो कुछ मैं करता हूँ, सारी बातों को प्रभु ध्यान से देखता है। इस भावना अंदर रहने से हम बिल्कुल परमेश्वर से हम डरेंगे। क्या आपके दिल में परमेश्वर के प्रति डर है? आपको और मुझको प्रभु आशीष देने के लिए क्रूस पर मरा है, शैतान पर जीता है, पापों पर विजय पाई, शैतान के सारे गतिविधियों पर यीशु ने विजय पाई। उस पर विश्वास करने से हमें आशीष मिलेगा। आज प्रभु से हम दुआ करेंगे। हम तो छोटे बच्चे हैं, प्रभु तू हमें आशीष देना। हम एक नवजवान है, परमेश्वर तू हमें आशीष देना। मैं इतना बुजुर्ग हो गया है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तू मुझे आशीष देना। विश्वास के साथ प्रार्थना करने से परमेश्वर जरूर आपको आशीष देंगे। दिल पर हाथ रखे, हे परमेश्वर तुझसे डरता हूँ और सारे अधर्म काम को दूर करके मैं अर्पण करता हूँ, तू मुझे आशीष देना है। हे प्रभु, मेरा जीवन की परिस्थितियाँ तू जानता है, मेरे जरूरतों को तू जान के सारी कमियों को दूर करके मेरे जीवन में आशीष देना है। हे प्रभु, जो कोई आज प्रार्थना करते हैं उन सबको तू आशीष देना है। यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन।